फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग की बेलदार की पिटाई के मामले में कर्मचारियों के द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि बेलदार के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके चलते सभी कर्मचारी 1 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे और फतेहाबाद की जल और मल, पानी और सीवरेज की सेवाएं बंद रखी जाएगी। फतेहाबाद के जन स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि करीब 10 दिन पहले जन स्वास्थ्य विभाग में बेलदार के पद पर कार्यरत विनोद की अज्ञात युवक के द्वारा पिटाई की गई थी, जिसके बाद विरोध की शिकायत पर जन स्वास्थ्य विभाग के एक SDO, 3 JEE और एक ठेकेदार के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। विनोद का आरोप था कि उसने RTI के माध्यम से जन स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार उजागर किया। इसी के चलते उक्त लोगों ने अज्ञात युवकों से उसकी पिटाई करवाई है। अब इस मामले में पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी के चलते अब कर्मचारियों ने 1 सितंबर को फतेहाबाद शहर का पानी और सीवरेज व सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। ये जो मामला है, ये PWD पब्लिक हेल्थ विभाग के अंदर कार्यरत हमारा साथी विनोद कुमार बेलदार, जो लंबे समय से पब्लिक हेल्थ के अंदर जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार की RTI की डिमांड कर रहे थे और अधिकारी जो है उस साथी को बार बार धमकियां दे रहे थे, और जिसका खामियाजा ये हुआ कि साथी ने RTI लगाई हुई है और साथी के ऊपर उन लोगों ने जानलेवा हमला करवाया। जो लोग RTI में इस बात का खुलासा उजागर होने में फंसने का संदेह रखते थे कि हमने फ्रॉड किए हुए हैं और RTI के अंदर अगर वो आ गए तो हम फंस जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, तो उन लोगों ने जो है हमारे साथी विनोद कुमार के ऊपर जानलेवा हमले करवाए हैं, जिसका विरोध करने के लिए आज जो है पब्लिक हेल्थ कार्यालय के अंदर फतेहाबाद, रतिया, भुन्ना, टोहाना और भट्टू कला से हमारे साथी जो है सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहुंचे हैं और हम जो है यहाँ आज अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं साथी के समर्थन में, ताकि साथी को न्याय मिल सके।